मैं तुमसे कहती हूँ सलमान, प्लीज उससे पूछकर तो देखो कि हुआ क्या है, शायद तुम्हें कुछ बता दे। I'm sorry, मैं इतना पर्सनल नहीं हो सकता। क्यों, इतनी तो दोस्ती है तुम दोनों की। हाँ वो तो है, पर इतनी भी नहीं कि जो बात वो आपसे शेयर नहीं कर सकती वो मेरे साथ शेयर कर ले। मुझे कहीं जरूरी काम से पहुंचना है, आई एम गेटिंग लेट। तुम बैठो, बस मरियम आती होगी, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? आई एम फाइन मरियम। मैं सोच रहा था कि मैं आमिर को अपने साथ ले आता, बहुत परेशान है वो तुम्हारे लिए, बल्कि वो तुम्हें कॉल्स भी कर रहा था और तुमने रिसीव नहीं की। एक्चुअली आई नीड सम स्पेस, मुझे अपने लिए कुछ वक्त चाहिए। क्यों, क्या हुआ, इज एवरीथिंग ओके? नो। क्या हुआ, क्या मरियम? बात कुछ ऐसी है कि किसी से कह भी नहीं सकती। सोचती हूँ लोग मुझे सेल्फिश कहेंगे, हंसेंगे मुझ पे या मेरी सोच पे। लेकिन आपका चेहरा देख के ऐसा लगता है कि मैं आपसे सारी बातें कर सकती हूँ। मगर मैं रिजवान नहीं, सलमान हूँ। मरियम प्लीज खुद को धोखा मत दो। धोखा ही तो दे रही हूँ। वाह बेटा सारा, तुमने तो हमारे सर का दर्द बिल्कुल खत्म कर दिया। हाँ तो हमारे सर में दर्द भी तो यही करती है। चल उठ, उठ के अपने खाने के बर्तन धो। इतनी भी जहमत नहीं करती कि बर्तन धो लिया कर, जहाँ खाती है वहीं छोड़ देती है। चल उठ। आती हूँ। तहमीना, अगर दो प्लेटें तुम धो लोगी तो कौन सी कयामत आ जाएगी? आप तो चुप ही करें ना, हर वक्त उसकी साइड लेते रहते हैं। चल चलो अब, क्या बैठी है यहाँ, चल जल्दी आ। You mean to say आमिर एंड सारा? No, ये बात मैं मान ही नहीं सकता। देखो ना तो आमिर पागल है और ना ही बेवकूफ, और सारा को अगर देखो वो सिर्फ उसे हमदर्दी दिखा रहा है, और आमिर अगर उसकी केयर कर रहा है तो यकीनन उसकी वजह यह है कि वो अकेली रह गई है। That's it. ये हमदर्दी है या मोहब्बत, जो भी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं आमिर से शादी करके गलत कर रही हूँ। Do you love him? Tell me, do you love him? मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही शख्स से मोहब्बत की है और वो रिजवान है। What? अगर तुम उससे मोहब्बत नहीं करती तो फिर शादी क्यों कर रही हो? क्योंकि आमिर मुझसे प्यार करता है, बहुत प्यार, और मुझे यकीन है मेरे बेटे को सिर्फ वो लोग ही कबूल कर सकते हैं जिसका वो खून है। वो सिर्फ वहां पे ही खुश रह सकता है। आमिर रिजवान का भाई है और वो ही उसको वो प्यार दे सकता है जो एक बाप अपनी औलाद को दे सकता है।
क्योंकि आमिर मुझसे प्यार करता है, बहुत प्यार। और मुझे यकीन है मेरे बेटे को सिर्फ वो लोग ही कबूल कर सकते हैं जिसका वो खून है। वो सिर्फ वहां पे ही खुश रह सकता है। राणा साहब, बिजली का बिल भर दिया था आपने? आमिर ले गया है, करा के भर दूंगा। चलें ये भी ठीक है। सलमान बेटा, किन सोचों में गुम हो बेटा तुम? कुछ नहीं अम्मी। कोई परेशानी है बेटा? नहीं नहीं अब्बू, सब ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा ये बताओ, तुम मरियम से मिलने गए थे, उसने कुछ कहा, कोई बात हुई उससे? नहीं कोई खास बात नहीं हुई, बस ऐसे ही इधर उधर की बातें होती रही। बड़ी साबिर बच्ची है, इतनी छोटी सी उम्र में उसके साथ इतना कुछ हो गया। बस मैं तो अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि उसके हिस्से की सारी खुशियाँ उसे मिल जाए। ठीक कहते हो, वो समझदार और साबिर बच्ची है, वरना इतना कुछ होने के बाद इंसान जीने की उम्मीद ही छोड़ देता है। ठीक कह रहे हैं आप लोग, मगर क्या जो खुशियाँ आप लोग उसे देना चाहते हैं, क्या वो वही चाहती है? क्या मतलब है तेरा? क्या वो आमिर से शादी नहीं करना चाहती? उसने तुझसे कुछ कहा है क्या? नहीं नहीं अम्मी, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, बस वैसे ही पूछ रहा था। माशाल्लाह हमारी बेटी बिल्कुल फिट हो गई है। लुकिंग गुड माशाल्लाह। अल्लाह का लाख लाख शुक्र, बहुत हिम्मत वाली है हमारी बेटी। मॉम, सिर्फ रिजवान के लिए ही हिम्मत कर सकी हूँ। अरे हाँ, रिजवान से याद आया, आगा आपको मरियम ने बताया कि सलमान आया था। सलमान? हाँ हाँ, भाई वो जो रिजवान की हमशक्ल है। अच्छा अच्छा हाँ, वो मरियम से मिलने आया था, आ गया अमेरिका से। एक बात बतानी थी मुझे। बोलो बेटा। वो एक्चुअली सलमान रिजवान का सगा भाई है। उसकी अम्मी ने बचपन में ही ताया अबू को दे दिया था क्योंकि वो बे औलाद थे, और सलमान को भी ये बात काफी बाद में ही पता चली है। वो तो देखने में लगता था कि दोनों जुड़वाए हैं, ट्विंस तो लगते थे दोनों। ऐसा बहुत अच्छा लड़का है वो। अच्छा लड़का है और खाते पीते घराने से लगता है, तो शुक्र है कि उसके माँ बाप ने ताया को दे दिया था, वरना उसका भी हाल। मॉम प्लीज, हर वक्त बुराई मत किया करें, अल्लाह ताला नाराज होता है। अच्छा ये बताओ, रिजवान का स्कूल कैसे जा रहा है? जी डैड, बहुत खुश है, रोज खुशी से जाता है, वापस आकर मुझे अपनी स्टोरी सुनाता है, फ्रेंड्स के बारे में बताता है, एडजस्ट हो गया है। अरे भाई ये तो बहुत अच्छा हुआ, वरना सारा दिन खेलना कूदना और टीवी देखना, इससे तो जान छुटी ना उसकी। जी डैड, जाहिर सी बात है, एक जगह से दूसरी जगह अचानक शिफ्ट हुए हैं, एडजस्ट होने में टाइम लगता है, लेकिन ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो एडजस्ट हो गया है और ज्यादा तंग भी नहीं कर रहा। चाय और मंगवा दूं? नहीं प्लीज, अगर आप बनाएंगी तो मंगवा दीजिए, अगर आप बनाएंगी तो। आपको तो ना हर चीज में कीड़े नजर आते हैं। ना कीड़े की बात नहीं है ना, चाय अच्छी नहीं बनती, आपके हाथ की चाय का मजा ही कुछ और है। आप चाहते हैं कि मैं किचन में जाके बस काम करूं, है ना? सॉरी। ये तो हमारी लड़ाई शुरू से रही है और रहेगी। जो खुशियां आप लोग उसे देना चाहते हैं, क्या वो वही चाहती है? आखिर सलमान ने ऐसा क्यों बोला?
उसे लगता है कि वो सारा के साथ बहुत गलत कर रही है। बेटा इसमें गलत क्या है, आमिर सारा के साथ नहीं रहना चाहता तो इसमें मरियम की कौन सी गलती है, तू समझा ना उसे। सलमान बेटा तेरी चाय। मैं चाय नहीं पीता, कॉफी पीता हूं। शायद आप भूल गई। भूली नहीं हूं, तुझे चाय की आदत डाल रही हूं। पता नहीं ये नहीं आदतें डालना मेरे लिए ठीक है भी कि नहीं। सलमान बेटा तू मुझसे कुछ छुपा रहा है, मरियम ने तुझे कुछ कहा है? नहीं तो? तुझे कसम है मेरी, बता क्या कहा है मरियम ने तुझसे? कुछ नहीं कहा ऐसा कि आप परेशान हो। झूठ मत बोल मुझसे, पाला नहीं तुझे पर मां हूं मैं तेरी, पैदा किया है तुझे मैंने, इतना तो तुझे समझ सकती हूं ना। सच बता क्या बात है? वो सारा की वजह से बहुत परेशान है, उसे लगता है कि वो सारा के साथ बहुत गलत कर रही है। बेटा इसमें गलत क्या है, आमिर सारा के साथ नहीं रहना चाहता तो इसमें मरियम की कौन सी गलती है, तू समझा ना उसे। नहीं अम्मी मैं उसे नहीं समझा सकता। क्यों नहीं समझा सकता बोल। क्योंकि वो मुझे सलमान नहीं रिजवान समझ के बात करती है। थैंक यू सर। यू वेलकम सर। अच्छा नहीं लगता आप मुझे बार बार। मैं आपको कौन सा रोज रोज छोड़ता हूँ बीना, फिर आप स्टॉप पे खड़ी जब दिख जाती हैं तो रिक्वेस्ट कर लेता हूँ आपसे। थैंक यू सो मच। बार बार थैंक यू क्यों बोलती हैं आप मुझे? क्योंकि कोई किसी एम्प्लॉय के लिए इतना नहीं करता। आप बहुत खास हैं बीना, अब आपको आइडिया हो जाना चाहिए। वो आप कॉफी पिएंगे? नहीं नहीं फिर कभी इंशाल्लाह, वरना आपकी मम्मी मेरी एंट्री बंद कर देंगी। नहीं नहीं वो आपको बहुत पसंद करते हैं। और आप जी? आप पसंद करती हैं ना मुझे? यानी जी वो जी का मतलब तो हाँ ही है ना? जी वो नहीं का मतलब नहीं करती। नहीं मैंने ऐसा तो नहीं कहा। करती है ना? मोहब्बत नाम है तेरा, यही मान है मेरा, दुआओं में तुझे मांगो निगाहों में तेरा चेहरा, खुदा से दीप 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 दीप
अम्मू क्या बात है? आज तुम्हारे चेहरे पर इतनी सारी खुशी, बड़े अरसे की बात देख रही हूँ। अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है। कोई बात तो जरूर है, छुपा रही हो ना मुझसे? अरे कहा ना ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा लाए ये मुझे दे दे। ठीक है ना बताओ, ऐसे तुम्हारी अम्मी हूँ मैं, सब समझती हूँ। एक अच्छी सी चाय मिलेगी? हाँ शरारती हो, अभी लाई। तुमसे किसी ने पूछा है क्या? नहीं तो फिर क्यों या क्या कर रही हो तुम? हाय अल्लाह आप आ गए। आपको पता है मैं ना अभी आप ही की याद में गाना गा रही थी। अच्छा मैं आपको भी सुनाऊं? नहीं इसकी जरूरत नहीं है, थैंक यू। हाँ बहुत बुरा गाती हूँ। जल कुकड़ी तुमसे किसी ने पूछा है क्या? ये जल कुकड़ी क्या होता है? जल कुकड़ी मतलब जेलस, ये मुझे जेलस होती है ना। अरे आप इसको छोड़े ना, आप मेरा गाना सुने। याद तो आती होगी, दिल दुखाती होगी। बस 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 बस, इससे ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ नहीं ना, कहाँ जा रहे, मेरा पूरा गाना सुने ना, मैंने सुबह आपके लिए गाया है। देखिए यहाँ बेकार का वक्त जाया करने से बेहतर है कि मैं अंदर चला जाता हूँ। चलो हम चल के खेलते हैं, ठीक है? हाँ लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। ले गई मम्मी, इतनी मुश्किल से पटाने का मौका मिला था। याद तो आती होगी, दिल दिखाती होगी मम्मी। मॉम को कोई नहीं समझा सकता, वो कभी भी नहीं मानेंगी। मान जाएगी सोफी, इतनी भी बेरहम नहीं है वो। तुम्हारी मॉम को जानती नहीं हो, वो अपनी जिद के आगे किसी को भी नहीं टिकने देती। अब देखो ना आज मैं बीना को खोकर कितना पछता रहा हूं। अगर मैंने उसके साथ अच्छा सलूक किया होता तो और मेरा दिल कहां इतना बेचैन होता उसके लिए। रिलैक्स, यू आर अ स्ट्रांग बॉय। देखो ना इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुम मजबूत अपने पैरों पे खड़े हो। सर वो फाइट्स, आई एम सॉरी। नहीं नहीं बीना आ जाए प्लीज, और ये फाइल रखे ना यहाँ पर। I'm very sorry, sir. मुझे डोर लॉक करके आना चाहिए था। Oh no, Bina, it's okay. जैसे तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। We're just good friends. पता नहीं क्या सोच रही होगी यार ये। Relax. अगर वो तुमसे प्यार करती है तो तुम पे जरूर ट्रस्ट करेगी। उसे खुद भी यह एहसास नहीं है कि वो सारा की तरफ कितना ज्यादा केयरिंग हो चुका है सलमान। तो इसमें बुराई क्या है? पर वो ऐसे कैसे सारा को डिवोर्स दे सकता है? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था।